अक्सर डांस रियलिटी शो से, टीवी शो से, और अब ये फिल्म से कैसे रहा ये सफ़र सर आपका? ये सफ़र बहुत ही कमाल का रहा। ऑब्वियसली ये बहुत ही सीनियर एक्टर हैं, लास्ट 15 साल से एक्टिंग कर रही हैं एंड इन्होंने मुझे बहुत गाइड किया। येस, फ्रॉम रियलिटी शो टू एक्टिंग थोड़ा जो ट्रांजिशन है डिफ़िकल्ट है, बट विद अ पार्टनर लाइक दिस, विद एन एक्टर लाइक दिस अलॉन्ग साइड, एंड इतने बढ़िया डायरेक्टर हैं हमारे अनिल सर, और ये स्टोरी जो है हंगामा प्ले के द्वारा वो हमने बहुत ही प्यार से, आई थिंक दे हैव हेल्प मी अलॉट, और होपफुली ऐसा ना लगे कि मैं पहली बार एक्ट कर रहा हूँ, और यू नो थोड़ा नर्वस हूँ मैं। या ऑब्वियसली थोड़ी नर्वसनेस होती है, बट वेरी ऑनेस्टली मैं काफ़ी प्राउड हूँ, बिकॉज आई थिंक फर्स्ट टाइम जब हम कैमरे के सामने आते हैं, नो मैटर आपने जितना वो एक्टिंग कोर्स किया होगा, ये वो एक नर्वसनेस, एक डर होता है जो आई थिंक सन्नम में बहुत कम है, क्योंकि स्टेज फियर से एक बार आप डील कर लेते हो तो आपको कैमरा कॉन्शियसनेस नहीं है, एंड बहुत मेहनत करता है, बहुत सिंसियरली काम करता है, तो येस इट्स अ नाइस ट्रांजिशन। सी, हमें लोगों की जरूरत है, हम एक दूसरे की तारीफ करते हैं। नहीं नहीं, हमें ज़रूरत है आप लोगों का, सबका प्यार बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसकी ज़रूरत भी है हमें। एकदम से फट गई, नहीं नहीं नहीं, प्यार की ज़रूरत है। धप्पा हो गया, धप्पा हो गया भाई। धप्पा की बात की जाए तो धप्पा एज अ फिल्म आपको कैसे मिली और कैसे काम करते हुए कैसा लगा? तो धप्पा एक्चुअली एक एंथोलॉजी है ऑफ 5 स्टोरीज, एंड वो सब स्मॉल टाउन स्टोरीज है एंड रोमांटिक स्टोरीज है, लाइट कॉमेडी विद अ लॉट ऑफ सरप्राइज। तो आई थिंक जब हम भी थकार के काम से आते तो वी वॉन्ट टू वर्ड समथिंग लाइट, आई थिंक धप्पा वैसा ही एक शो है, एंड हम उम्मीद करते हैं सबको देखे, सब देखे और सबको पसंद आए। एक्चुअली जो डायरेक्टर है और उनकी जैसे अनिल सर एंड मोना है, तो उनके दिमाग में जब वो लिख भी रहे थे तो उनके दिमाग में एक्चुअली ऐसा आ गया था कि ये सनम और एबिगेल आई थिंक परफेक्ट कैरेक्टर है इस जो उन्होंने किरदार लिखे हैं उसके लिए। सो आई वुड रियली वॉन्ट लाइक वुड लाइक टू थैंक बोथ ऑफ देम एंड हंगामा प्ले कि हमें इतना उन्होंने भरोसा किया मुझ पे इतना, क्योंकि ये तो ब्रिलियंट है। इन्होंने हंगामा के साथ पहले भी किया है एंड ईवी सेम प्रोडक्शन सेम डायरेक्टर के साथ काम किया है, तो मैं कहीं ना कहीं नर्वस था। शी सपोर्टेड मी थ्रू आउट एंड थैंक यू फॉर चूजिंग मी। आई होप मैं किसी को लेट डाउन ना करूँ, एंड या आई होप कि इसके बाद और काम मिले एक्टिंग रिलेटेड, एंड ये शो धप्पा बहुत फेमस हो जाए और सब इसी के बारे में बात करें। रियल लाइफ में आप दोनों जो है, रील और रियल लाइफ में आप लोग दोनों कैसे मिलना पसंद करेंगे? रियल लाइफ में मिलना पसंद करते हैं या रियल लाइफ में आप लोग को जैसा है कि मतलब जैसी है अभी वैसी हैं या सनम जैसे हैं वैसे हो जाए? आई थिंक रियल लाइफ में, बिकॉज रियल लाइफ में चलो आप अपने इमोशंस नहीं दर्शाते, आप एक कैरेक्टर के इमोशंस दर्शाते, बट रियल लाइफ में इट इज जस्ट मी एंड हिम, सो आई थिंक डेफिनेटली रियल लाइफ। एंड या सेम, मतलब रियल लाइफ ऑब्वियसली नो मैटर, इट्स जस्ट आई थिंक रियल इज रियल। रील के हिसाब से देखा जाए तो वो लोगों के ऊपर है, वो कैसा पसंद करेंगे हमें देखना, बाकी आई थिंक रियल हो, रील हो, हाइपोथेटिकल हो, कुछ भी हो, आई थिंक चीज यही है मेरे लिए। लव की बात की जाए अगर तो लव एक बहुत ही इमोशन भरा जो है शब्द है, हम जो है हर किसी से लव करते हैं जी। आप लोग की लव प्यार की कहानी कैसे चालू हुई और क्या था एग्जैक्टली? डिपेंड करता है, मतलब कि जैसे ये फिल्म में बताया जा रहा है कि आप लोग जो फिल्म में जो है छुपन छुपाई करते हैं, तो कितनी छुपन छुपाई हुई आप लोग के प्यार में? एक्चुअली छुपन छुपाई हुई, बट आई थिंक एक दूसरे से ही हुई। आई थिंक धक्का धुक्की ज़्यादा हुई, क्योंकि स्टार्टिंग में हम दोस्त थे, उस हिसाब से एक दूसरे को नहीं देखते थे, ये देखती थी, मैं नहीं देखता था, बट क्योंकि इन्होंने जब मुझे पहली बार देखा तो ये तो पागल हो गई थी। इन्होंने मुझे टावल में देखा, बट लॉन्ग स्टोरी ये है कि येस, हमने बहुत पहले दोस्त बने, उसके बाद इस रिलेशनशिप की शुरुआत करी। So yeah, I'm really lucky to have her in my life, and love I think bahut hi apt shabd hai for her, she is my love, I love her, and you know kaise bhi angle se aap love inke sath jod dijiye to I think it's beautiful.
इतनी जो मैंने बातें आपको क्या लगता है ये मैं प्यार भरी बातें कर रहा हूँ तो मैं ही हूँ, ये इनके टाइम्स हैं, ये मौके पे चौका मारती हैं और ये एक्चुअली मौके पे सेंचुरी मार देती हैं। मैं इतना साल लगाया, इतना साल मैंने इनको प्यार दिया, इतना प्यारी प्यारी चीज़ें करी, इन्होंने एक बार ही मुझे प्रपोज़ किया और सब बराबर कर दिया। सो वी बोथ आर रोमांटिक इन आर ओन वेज बट मैं ज़्यादा। फिल्म की यूएसपी क्या रहेगी, सीरीज की यूएसपी क्या रहेगी, लोगों को देखना चाहिए? क्योंकि आई थिंक अभी ऑब्वियसली बहुत सारी स्टोरीज, लव स्टोरीज आई हैं, बहुत सारी सीरीज शोज आए हैं एंड एवरीथिंग, बट आई डिड लाइक कि धप्पा, मेरे लिए, मैं अपनी तरफ से बोल रही हूँ कि जो स्मॉल टाउन प्यार है, जो एक हम ऑब्वियसली मेट्रोपॉलिटन सिटी से हम दोनों, तो हमने वो कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो टू सी दैट एस्पेक्ट ऑफ इट, उस नज़रिए से प्यार को देखना, एक्सपीरियंस करना, मेरे लिए शूट करते वक्त बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। तो आई एम श्योर जो देख रहे हैं उनको भी शायद वही बात बहुत अच्छी लगी। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो लोग हैं स्मॉल टाउन से, उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, हम नहीं हैं, हमने इस सीरीज के दौरान एक्सपीरियंस किया है। सो आई थिंक जो स्मॉल टाउन लव है, जो आशिकी है, वो स्मॉल टाउन में ही है, जो मरने मिटने वाला प्यार है, वो छुपन छुपाई वाला प्यार है, डरने वाला प्यार है, एक दूसरे को खोने वाला प्यार है, आई थिंक इट्स इन स्मॉल टाउन्स एंड यही वहीं से कुछ स्टोरीज लेकर बहुत इंटरेस्टिंगली बुना है इन स्टोरीज़ को हमारे डायरेक्टर ने। और यस, वी आर रियली एक्साइटेड टू वॉच इट। अभी तक हम सुबह से, आज आ गया है ऑनलाइन ऑन एयर, हम देख नहीं पाए हैं, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। तो एक बारी इस सबसे फ्री हुए, हम घर जाके आराम से धप्पा देखने वाले हैं पूरे परिवार समेत। एंड या अभिषेक और समृद्ध, आप लोग दोनों को सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक धप्पा के लिए। थैंक यू। काफ़ी अच्छा प्रोमो दिख रहा है, काफ़ी अच्छी मूवी सीरीज़ भी आ गई है हंगामा प्ले पे, तो क्या कहेंगे लोगों, कैसा रिस्पांस आ रहा है आपको? रिस्पांस अभी टाइम लगता है आने में, इमीजिएटली आता नहीं है, सब अपना अपना टाइम निकाल के देखेंगे। और अभी आज सुबह ही आया है, सो आई थिंक विद इन दिस वीक इन द कमिंग डेज सारा रिस्पॉन्स आएगा एंड होप फैंस को अच्छा लगे। सो वेट कर रहे हैं कि खुद भी देखें और फैंस भी बताएं कि क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा। आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही बोला उन्होंने, आज सुबह ही आया तो थोड़ा सा हमें पेशेंस आई थिंक रखना पड़ेगा, थोड़ा सा वक्त हम उनको भी देंगे एंड ये आज भी देख सकते हैं, कल भी देख सकते हैं, आगे भी देख सकते हैं। तो हाँ, हफ्ते का टाइम तो लगेगा रिस्पॉन्स पता लगने के लिए, बट आई एम होपिंग कि रिस्पॉन्स काफ़ी पॉजिटिव और फन होने वाला है। धप्पा की बात की जाए अगर, तो धप्पा मिली कैसे आप लोग को, मतलब क्या, कैसे ये रोल मिला आप लोग को धप्पा में? यार मेरा एसोसिएशन जो अनिल सर हैं उनके साथ पिछले 5 साल से, और हंगामा आपके साथ 2.5-3 साल हो गए, तो उनकी जो सीरीज़ की थी कश्मकश तब से, तो जब अनिल सर और हंगामा ने अप्रोच किया इस चीज़ के लिए और स्टोरी लाइन इतनी अच्छी थी कि थी, इमीजिएटली वो सारे टिक मार्क्स हो गए कि लेट्स डू दिस। तो ज़्यादा उसमें कोई हेजिटेशन वाली बात नहीं थी, फटाफट सब हो गया। आपका क्या कहना है सर? मेरे को कॉल आया वहाँ से, एंड आई वेंट एंड उन्होंने मुझे स्टोरी समझाई और उन्होंने बोला कि समृद्ध तेरे जैसे ही कैरेक्टर है। तो मैंने कैरेक्टर सुना तो मैंने बोला कि मेरे जैसे बिल्कुल नहीं है, बट उन्होंने बोला कि नहीं, वी हैव अ फीलिंग दैट यू कैन यू नो इस कैरेक्टर में जान डाल सकता है, एंड आई वॉज हैप्पी टू नो दैट। और उन्होंने कहा कि ये कैरेक्टर सुनते ही तू दिमाग में आया था, तो मैंने कहा भी इतना भरोसा किया है तो यू नो करके दिखाना पड़ेगा। सो मुझे भी मज़ा आया सुन के, एंड आई रियली वांट टू डू इट, तो हमारी बात बनी एंड फाइनली इट हैपेंड। रियल लाइफ में कैसे हैं आप लोग, के कैरेक्टर से कितना रिलेट करते हैं एक दूसरे को आप लोग? सिंपल है, सिंपल मेरा कैरेक्टर संजय बहुत ही सिंपल है, ऑनेस्ट है, फैमिली ओरिएंटेड है, लवेबल है, तो रियल लाइफ में भी वैसा ही, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बट हाँ ऐसा ही है। सीरीज़ की कैरेक्टर्स की बात की जाए अगर, तो ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो आप सोचते थे यार मैं अगर प्ले करता तो मैं और अच्छा प्ले करता, या विशेष मुझको ये कैरेक्टर मिलना चाहिए था?
ऐसा तो कुछ नहीं, बिल्कुल मेरे शो कैरेक्टर शो में जो मेरा एपिसोड है उसमें या तो उसका था या मेरा था, जो कर सकते थे इसने अपना बहुत अच्छा किया, मैंने अपना आई होप ठीक किया हो तो ठीक किया, वही जिसको जो लिखा है वो मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं था कि यही करना है मेरे को, मुझे मज़ा आया। मैंने जैसे आपको बताया उनको विश्वास था कि मैं इस कैरेक्टर में अच्छा करूँगा, तो मैं इसमें ही बहुत खुश हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी विद माय कैरेक्टर। सीरीज़ की आप बात करें तो अभी तक हमने अभी तक देखा ही नहीं है कुछ, तो मैं ये बता नहीं सकता कि बाकी कैरेक्टर्स ने क्या किया है, बट डेफिनेटली आई एम स्टिल सेइंग कि जिन्होंने जो किया है उन्होंने सब बहुत अच्छा किया है और मैं अपने कैरेक्टर से आज भी खुश हूँ। अच्छा सर, रियल लाइफ में आप लोग का कहीं धप्पा हुआ है कभी इनके चाइल्डहुड में या यहाँ पे कहीं पे? सभी का धप्पा कभी ना कभी तो होता ही है और कभी भी धप्पा हो सकता है, सो ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड कि क्या होता है, बट लाइफ में यार हर किसी को अनएक्सपेक्टेड शॉक्स मिलते हैं जो वो एक्सपेक्ट नहीं करता है, तो होता है, आपकी लाइफ में भी होगा, मेरी लाइफ में भी हुआ हुआ है कि आप जिनसे उम्मीद नहीं करते कि वो ऐसा करेंगे वो भी करते हैं, कभी कभी हम लोगों से भी गलती होती है, ऐसा नहीं कि हम लोग कोई परफेक्ट हैं, किसी और का कहना होगा कि यार उसने भी ऐसा किया, हम भी गलत हो सकते हैं, सो तो लाइफ में कभी भी धप्पा लग सकता है। सो या टेलीविज़न सीरियल्स की बात की जाए तो अभी से टेलीविज़न सीरियल से लेकर अब तक की जर्नी के बारे में क्या कहेंगे सर? आई एम ग्लैड कि मैं अभी तक टेलीविज़न में जो काम करते हैं और उसके बाद मेरी OTT में शुरुआत हुई है, सो मेरे लिए रास्ते खुले हैं एज एन एक्टर, सो आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे लिए दो अलग प्लेटफॉर्म हो गए हैं एंड आई वुड वांट कि आगे और स्प्रेड हो ही है। सो या OTT प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो OTT प्लेटफॉर्म बहुत ही वास्ट प्लेटफॉर्म है और बहुत सारी चीज़ें आप अपना एक्टिंग के उसमें दिखा सकते हैं या डायरेक्शंस के उसमें दिखा सकते हैं, तो आपको लगता है ये OTT प्लेटफॉर्म ओपन होने से यंगस्टर्स को या यंगर जनरेशन को एक मौका, एक न्यू बिगनिंग मिली है या? एब्सोल्युटली यार, आई थिंक वेब हैज़ बीन वन प्लेटफॉर्म जो इतना अपॉर्चुनिटीज़ इस टाइम पर प्रोवाइड कर रहा है और नॉट इवन यंगस्टर्स बट एवरी वन, तो इतने सारे OTT के प्लेटफॉर्म्स भी आ गए हैं जहाँ पे इतनी चीज़ें बन रही हैं, द अपॉर्चुनिटी इज़ देयर एंड आई थिंक देयर इज़ सो मच ऑफ स्कोप फॉर एवरीवन, तो आई थिंक जिसको भी अपॉर्चुनिटी मिले उसको अवेल करना चाहिए एंड जितना कर सकते हो करते रहो, द जर्नी हैज़ टू गो ऑन एंड एक्टर कहते हैं ना ग्रीडी होता है। कहते हैं ना कि एक्टर ग्रीडी होता है, तो जितना काम कर सकता है वो करना चाहिए एंड आई एम हैप्पी कि मुझे हंगामा ने और अनिल वी सर ने ये धप्पा में कास्ट किया एंड आई होप कि ऐसे और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स मुझे मिलते रहें। सर आप क्या कहेंगे इसको? बिल्कुल सही है सबके लिए, मैंने बोला मेरे लिए खुला है, इस हिसाब से सारे एक्टर्स के लिए यू नो प्लेटफॉर्म खुले हैं और रास्ते खुले हैं, इस इंडस्ट्री में इतने लोग आते हैं रोज़ काम करने के लिए, तो सबके लिए यू नो स्कोप और बढ़ गया है विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, और उसकी वजह से टैलेंट और देखने को मिलता है और वास्ट काम करने को मिलता है, सो डेफिनेटली इट्स वेरी गुड फॉर ऑल द अपॉर्चुनिस्ट एंड आई एम ऑल्सो वेरी ग्लैड कि मुझे चांस मिल रहा है ये सब करने को। आपकी स्टोरीज की बात की जाए इस सीरीज में तो क्या USP रहेगी आपकी स्टोरी के, लोगों को क्यों देखना चाहिए आप? देखिए स्टोरी में जो इनफैक्ट सबसे बड़ी बात तो जो क्लाइमैक्स है उसकी वजह से तो आपको देखना ही चाहिए, बट अदरवाइज अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे पूछोगे तो मैं इंडिविजुअल अपने जगह के कैरेक्टर के लिए बोलूँगा कि मेरा कैरेक्टर बहुत ही डिफरेंट है जो मैंने आज तक किया है, तो जो लोग ने मेरे पहले कैरेक्टर्स देखे हैं उन लोग को तो डिफरेंस समझ में आएगा, जिन्होंने नहीं भी देखा उनको बहुत फन आएगा क्योंकि कैरेक्टर क्वाइट फन और मस्ती मारने वाला लड़का है, सो इट्स क्वाइट फन लविंग स्टोरी। आप देखोगे तो ओवरऑल जो हम सब ने मिल के जो एक स्टोरी बनाई है, सबके अपने जो किरदार हैं वो तीनों जब तक साथ में अपने अपने काम नहीं करेंगे तो वो स्टोरी का वो पार्ट नहीं आता एंड फाइनली वी हैपन टू गेट दैट एंड बिकॉज ऑफ एवरीवन्स परफॉर्मेंस, सो वो आपको देखना ज़रूर बनता है। अभिषेक आप क्या कहेंगे, आपकी स्टोरी में ऐसा क्या खास था कि लोगों को देखनी चाहिए? यार मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो यही हुआ कि मैं 5 साल से एक जगह काम कर रहा हूँ तो एकदम से डिफरेंट जगह पे आया हूँ, तो उसके लिए लोगों को एक्साइटमेंट होगी ना, बिकॉज एक पर्टिकुलर कैरेक्टर में आप एक किसी को देखते आ रहे हो तो भी कभी भी बोलते हैं ना हमने तो देख रहा हूँ यहाँ पे, देख लिया समीर, देख लिया व्हाट इज़ नेक्स्ट, सो सडनली दिस हैपन्स एंड इट इज़ शॉर्ट बट इट्स वेरी पेसी एंड फन, सो लोगों को वो मज़ा आएगा तो वो देखिए एंड लाइक ही सेड जो क्लाइमैक्स है और पूरी स्टोरी लाइन है वो बहुत फन है और तीनों का जो कैरेक्टर का जो लेयरिंग है वो बहुत फन है और तीनों का डिफरेंट है, तो वो किस तरह मर्ज होता है तीनों के अंदर और कहाँ से वो ट्विस्ट लाता है, मज़ेदार है वो।
सर लव में कितना बिलीव करते हैं आप, और मतलब ऐसे कभी लव के उसमें धप्पा हुआ है आपका? हाँ, लव के चक्कर में कभी धप्पा हुआ है? मैं लव में ज़रूर बिलीव करता हूँ, बट लव में धप्पा हुआ है नहीं, मैं कभी और बताऊँगा, बट लव में हर एक इंसान को बिलीव करना चाहिए, बहुत ही ब्यूटीफुल थिंग है। आप क्या कहेंगे सर, आपका कभी हुआ है लव में? यार लव में धप्पा नहीं हुआ, वैसे धप्पा हुआ है मेरे साथ, एंड मैं चाहता नहीं लव में हुए मेरे साथ, क्योंकि दिल टूट जाएगा, क्योंकि मैं लव में बिलीव करता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू। स्मृति जी, फर्स्ट ऑफ ऑल धप्पा के लिए बहुत बहुत बधाई, लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं इस चीज़ को लेके। धप्पा से टेलीविजन सीरियल से लेके अब तक की जर्नी के बारे में बताइए, कैसी रही आपकी जर्नी? थैंक यू। जर्नी अभी काफ़ी लंबा ब्रेक आ गया था, मैं एक्टिवली टेलीविज़न कर रही थी, मैंने 4-5 शोज़ करे, उसके बाद शादी के बाद जब मैं प्रेग्नेंट हुई और बच्चा हुआ, तब से आई हैव नॉट बीन एबल टू गेट बैक। और मेरा मन था काफ़ी टाइम कि मैं वापस आऊँ, क्योंकि मुझे आज भी कॉल्स आते रहते हैं ऑन डेली बेसिस टेलीविज़न के, पर टेलीविज़न आई फील इज़ अ वेरी बिग कमिटमेंट, रोज़ 12 घंटे सेट पे रहना एज अ मदर बहुत टफ हो जाता है। अभी भी मुझे लगता है मेरी बेटी को मेरी बहुत ज़रूरत है, उसे 2 साल की है, तो इसीलिए मैं वापस नहीं आ पाई हूँ टेलीविज़न में। बट हाँ, ये मेरा OTT में पहला कुछ मैंने किया है, और प्रोडक्शन हाउस मेरा बिल्कुल फैमिली की तरह अनिल सर थे, और जब उनका कॉल आया मुझे, तो मैंने डेफिनेटली आई सेड कि आई वुड वॉन्ट टू डू दिस, और अच्छा रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। धप्पा के कैरेक्टर की बात की जाए तो आपका क्या कैरेक्टर है, थोड़ा अगर उस पर रोशनी डाल सकते? हाँ, एक तो कैरेक्टर है एकदम स्मॉल टाउन, एक लड़की का कैरेक्टर है जो मैंने आज तक प्ले नहीं किया है, मुझे हमेशा अमेरिका रिटर्न या लंदन रिटर्न दिखाते थे हर शो में। ये कैरेक्टर है एक छोटे से सिटी की, आगरा की कहानी है, जहाँ पे एक सिंपल जैसे घर होते हैं, जो कंजर्वेटिव फैमिलीज होती हैं वैसे लड़की, वो लड़की वहाँ से बिलोंग करती है, तो मुझे काफ़ी मज़ा आया एक डिफरेंट टाइप का कैरेक्टर प्ले करने में, और वहाँ पर क्या क्या सिचुएशंस होती हैं, छोटी चीज़ भी बड़ी बन जाती है, तो इट वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ रोल। कैरेक्टर की बात की जाए तो कैरेक्टर के लिए कितनी तैयारी करनी पड़ी आपको? कैरेक्टर के लिए इतनी तैयारी नहीं करनी पड़ी, हम लोग हैं इंडियन फैमिली से ही, सब थोड़े थोड़े कंजर्वेटिव, सबकी फैमिली में लोग होते हैं, अफेयर्स में आप इतने ओपनली डिस्कस नहीं करते जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में होता है या जैसे अब्रॉड में करते हैं लोग अपने पेरेंट्स से डिस्कस, यहाँ पर नहीं कर पाते, तो वैसा ही वैसा ही कुछ कैरेक्टर था, तो काफ़ी रिलेटेबल था, इंडियन जैसे हाउस होल्ड्स होते हैं वैसी कहानी थी। जय के साथ काम करते हुए कैसा लगा आपको? जय काफ़ी फ़नी है, और मेरा उनके साथ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था, इससे पहले मैंने काम नहीं किया, पर वो सिर्फ ऑफ स्क्रीन नहीं ऑन स्क्रीन भी काफ़ी अच्छी एंटरटेनिंग है, आई मीन ऑन स्क्रीन नहीं ऑफ स्क्रीन भी एंटरटेनिंग है, और काफ़ी हंसी मजाक किया हमने सेट पे। धप्पा की USP के बारे में बात की जाए तो क्या USP रहेगी आपके हिसाब से, आपकी स्टोरी की क्या USP रहेगी, क्यों लोगों को देखनी चाहिए आपकी स्टोरी? क्योंकि काफ़ी रिलेटेबल है, जैसे कि मैंने कहा हर घर में जो भी देखेगा ना, उसकी या तो खुद की लाइफ में या आसपास किसी ना किसी की लाइफ में ऐसा कुछ हुआ होगा, तो आई थिंक दैट रिलेटेबिलिटी फैक्टर और वो जो सिचुएशन बनती है उससे जो कॉमेडी आती है वैसी कॉमेडी है ये। लव की बात की जाए तो बहुत रोमांटिक स्टोरी भी है, काफ़ी लव एंगल्स दिखे हैं, तो मतलब आप कितना बिलीव करती हैं लव में, और आपका लव के चक्कर में कभी धप्पा हुआ है? लव के चक्कर में आई थिंक सबका ही धप्पा हुआ होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप नया नया आपका प्यार होता है, आप इतने श्योर नहीं होते कि आपको सबको बताना है अभी कि नहीं बताना है या छुपाना है, तो जब वो बातें कभी ना कभी खुलती हैं तो आई थिंक वो एक धप्पा ही होता है, लेकिन हाँ, तो मेरा भी वही है, मेरी लव मैरिज हुई है, तो स्टार्टिंग में जब आप छुप छुप के मिल रहे होते हो वो बड़ा अच्छा भी एक फेज़ होता है, पर एक टेंशन टाइप भी होती है ना अंदर। थैंक यू। विशाल जी, आपकी जर्नी टेलीविज़न से अभी तक की जर्नी के बारे में कुछ बताइए, आप कैसी रही आपकी जर्नी? भाई मैं हमेशा ये कहता हूँ कि गॉड हैज़ बीन वेरी 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 काइंड टू मी, बहुत बहुत मिला है यहाँ पर, स्टार्टिंग फ्रॉम एकता मैम, जिनकी वजह से आज मैं जो भी कर पाया हूँ वो है, टू रश्मि मैम, एंड नाउ दिस। मैं बठिंडा से हूँ, एंड देन गोइंग टू लॉस एंजलिस, लिविंग देयर, वॉकिंग फॉर LA फैशन वीक, वॉकिंग फॉर न्यूयॉर्क फैशन वीक, वॉज लाइक अ ड्रीम, मैंने कभी देखा भी नहीं था एक्चुअली, तो इसीलिए गॉड बहुत बहुत भगवान ने साथ दिया है, बट नाउ आई एम बैक इन इंडिया एंड आई एम ह्योर एंड आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर माई टेलीविजन फैंस, सो होपफुली आई एम ऑलरेडी टॉकिंग टू अबाउट टू फ्यू प्रोजेक्ट्स, एंड लेट्स सी इफ समथिंग वर्क्स आउट, सो आई विल बी ऑन TV बैक सून।
महानिंदा जी, भोजपुरी से अभी तक का सफर आपका कैसा रहा, बताएंगे? मैं भी यही कहना चाहूँगी कि इतनी सारी फिल्म्स मुझे नहीं पता था यार। हाँ, तो माय जर्नी वाज क्वाइट लॉन्ग, मतलब एंड थैंकफुली कि मतलब अच्छा था, इतनी सारी भोजपुरी फिल्म से मुझे प्यार मिला है। एंड फिर उसके बाद, जबकि मैं टेलीविज़न बहुत पहले से ही ट्राई कर रही थी, लेकिन फाइनली 2016 में आई गॉट बिग बॉस, फिर उसके बाद आई डिड नच बलिए, एंड देन फाइनली फाइनली नज़र केम इन माई लाइफ, और उसके बाद तो बहुत कुछ चेंज, किसी की नज़रें हटी नहीं। सो गुल मैम वॉज रियली काइंड, जैसे आपके लिए एकता मैम, मेरे लिए गुल मैम, उन्होंने बहुत बड़ी हिट दे दी मेरे लिए, मेरे करियर में इतना मतलब अच्छा एक शो एड ऑन हो गया, एंड उसके बाद से तो बहुत कुछ चेंज हो गया है। एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड वेरी थैंकफुल कि इतना सारा प्यार, मैं जब भी जो कुछ भी किया है पीपल हैव एक्सेप्टेड मी, सो आई एम रियली हैप्पी, थैंक यू। दप्पा की कैरेक्टर के बारे में बात की जाए तो ज़रा कुछ कैरेक्टर के बारे में रोशनी डालेंगे, अब आपका कैरेक्टर क्या है? हंगामा प्ले में मेरा ये डेब्यू OTT में मैं पहली बार कर रही हूँ, तो धप्पा के थ्रू मेरा डेब्यू हुआ, एंड अनिल सर ने बहुत अच्छे से मुझे प्रेजेंट किया, मतलब मेरा पहला जो है प्रॉपरली मैं मतलब इंट्रोड्यूस्ड हुई हूँ, ऐसा आप बोल सकते हैं, थ्रू धप्पा। मैं मेरा जो कैरेक्टर है वो एक वो उसका नाम है मीरा, और वो एक टीचर रहती है, और हस्बैंड जो उनके उसका है दिशांक प्ले कर रहा है, तो दिशांक और मेरे में बहुत अच्छा है, मतलब एवरीथिंग इज़ वेरी फाइन, वी लव ईच अदर, बट जो होता है ना कि हस्बैंड वाइफ में मतलब काम के चलते टाइम नहीं मिल रहा है, तो टाइम नहीं दे पाते हैं, एंड कैसे कैसे वो टाइम ना देने से ये गुस्सा होती है, और फिर मोहित एक दूसरा जो हीरो है वो आता है, और फिर वो कैसे कैसे कन्फ्यूजन्स होते हैं, और एक रात में जो एक कुछ बातें होती है, और कैसे धप्पा होता है, वही मेन है। विशाल, आपके कैरेक्टर के बारे में जानना। माय कैरेक्टर्स नेम इज़ आनंद इन द शो, एंड मेरे पड़ोस में एक लड़की रहती है सन्ना, जो कि मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और छोटे शहरों में जैसे होता है कि आप एक लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते, अगर आप कहीं घूम रहे हैं तो आपके बीच में कुछ है, हाथ पकड़ा है तो बहुत सॉलिड चल रहा है, कंधे पे हाथ रखा है तो सब हो चुका है, मतलब इट जस्ट तो ऐसा वाला सीन है। तो ऐसा ही कुछ होता है कि मैं अपनी दोस्त के साथ एक जगह पर होता हूँ, जो सिचुएशन किसी और इंसान की चुगली की वजह से कुछ और बन जाती है, और यही मेरे एपिसोड का नाम है, चुगली। तो वो चुगली के चक्कर में जो हम एक चक्रव्यूह में फंसते हैं, जहाँ पर संजना के पापा पुलिस में हैं और वो हमें फोर्स करते हैं शादी करने के लिए, तो कैसे शादी होती है, शादी के बाद क्या धप्पा होता है, या शादी से पहले क्या धप्पा होता है, वो आप एपिसोड देखेंगे तो आपको मजा आएगा, बट इट इज़ अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग शो। रियल लाइफ में बात की जाए तो क्या कभी आपके साथ कोई धप्पा हुआ है लव को लेके, और आपके साथ कभी कोई धप्पा हुआ है लव को लेके? लव को नहीं, बाथरूम को लेके हुआ है। सो एक बार मैं फ़ोन पे बात करते करते बाथरूम में लेडीज बाथरूम में चला गया था, एंड थैंकफुली कोई था नहीं तो चप्पलों से भी थप्पा होता मेरे मुंह पे। मेरा तो था, क्या मैं अंदर चली गई थी तो थे लोग, एंड आई वाज लाइक, मैं खुद शर्म से मैं बाहर आ गई, गॉड व्हाट हैपेंड टू मी विद मी जस्ट नाउ। सीरीज की बात की जाए तो और भी कैरेक्टर्स हैं, आपने और भी कैरेक्टर्स को देखा होगा काम करते हुए, या सीरीज खत्म होने के बाद आपने उस पर देखा होगा OTT प्लेटफॉर्म पे, तो आपको ऐसा लगा कि यार ये कैरेक्टर मैं अच्छा प्ले कर सकता, या काश मुझको ये कैरेक्टर मिल सकता है, ऐसा कुछ? नहीं, मैंने अभी तक दूसरे एपिसोड्स नहीं देखा है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अनिल सर जो है ना, वो उनको स्टोरी फुल पता है कि कौन सा कैरेक्टर किसको किस पे बेस्ट लगेगा, उस हिसाब से उन्होंने कास्ट किया है, एंड आई डोंट थिंक आई एम एनीवन की किसी को मैं इस मैटर में जज करूँ, जो मुझे मिला है आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी विथ माई कैरेक्टर, और उसको ही मैंने बेस्ट तरीके से प्ले करने की कोशिश किया, एंड आई होप कि आई हैव डन जस्टिस। आपके हिसाब से आपको क्या कहना है इस मामले? नहीं, मैंने भी एक्चुअली अभी तक बाकी के एपिसोड्स नहीं देखे हैं, पर आई एम श्योर अनिल सर हमारे सेलिब्रिटी डायरेक्टर हैं, बहुत समय से आई वांटेड टू वर्क विद हिम, एंड आई वाज रियली एक्साइटेड जब मुझे अनिल वी कुमार सर का फ़ोन आया अबाउट दिस, तो पहली हाँ तो मैंने यहीं पर बोल दी थी, आई वॉज सोल्ड टू दिस प्रोजेक्ट बिकॉज ऑफ हिज नेम, और उसके बाद जब स्टोरी सुनी तो फिर तो सवाल ही नहीं था ना करने का। तो मैं ये नहीं कह सकता कि किसी और का, हर किसी का अपना अंदाज़ है काम करने का, अपना एस्थेटिक है, बट वही आप ऑडियंस वही देखती है जो डायरेक्टर जो आपके कैमरा मैन अपने लेंस के थ्रू दिखाते हैं। तो एज शी सेड कि अनिल सर को पता था कि कौन सा चेहरा कौन सा एक्टर कहाँ अच्छा लगेगा, एंड आई थिंक ही इज़
done a fabulous job. और उसके बाद जो बच्चा कुछ थोड़ा काम है वो हमने किया. As an actor, definitely हम लोग different characters, different roles explore करना चाहते हैं. And that's why I'm doing two more shows with Hangama Play. And उसमें भी different, totally different characters हैं. And you guys will like it very much. Showing a lot. USP क्या रहेगी आपके show की? हाँ? आप क्या कर रहे हो? देखिए. USP क्या रहेगी आपके show की sir? It's और बहुत डिफरेंट है. मतलब देखते देखते आप कभी कभी ऐसा होता है कि स्टोरीज देखते देखते हम लोग गेस कर लेते हैं, हाँ ऐसा कुछ होने वाला है, अच्छा इसके बाद तो यही होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है. डिफरेंट डिफरेंट कुछ सारे किरदार और सारे स्टोरीज अलग अलग है और बहुत एंटरटेनिंग है एंड पीपल विल लव इट. मतलब फन के साथ सब कुछ है. आई थिंक इट्स अ फुल क्या बोलते हैं मसाला, फुल पैकेज. हाँ थैंक यू थैंक यू.